जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके साथ हम जुनून और प्रतिबद्धता के साथ विभिन्न स्तर पर संपर्क कर सकते हैं। तीव्रता के विभिन्न अंश हैं जिनसे हम निपट सकते हैं। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उदाहरण के लिए अपनी नौकरी को ही ले लीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, वेतन वाली हो या अवैतनिक। कई बार आप पूरी शक्ति और लगन के साथ काम करते हैं और बहुत कुछ हासिल करते हैं और परिणाम से बहुत संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। और कई बार हो सकता है कि आपके मन में अलग अलग बातें हों, ऐसे विकर्षण जो आपकी लगन को कहीं और केंद्रित करते हों। जैसा कि मैंने कहा, जीवन में बहुत कुछ और कई चीज़ों के साथ भागीदारी के विभिन्न स्तर होते हैं। तो जब परमेश्वर के साथ आपके संबंध की बात आती है तो आपकी लगन का स्तर, आपकी प्रतिबद्धता, आपकी तीव्रता का स्तर क्या है? मैं यीशु में विश्वास रखता हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कैसे विश्वास करते हैं? जब तूफान आता है तो आपका विश्वास वास्तव में कैसा होता है? क्या आप उस पर दूर से ही एक बौद्धिक दिमागी किस्म के विश्वास के साथ विश्वास करते हैं? यदि ऐसा है तो ये तूफान में आपके लिए बिल्कुल बेकार होगा। और फिर आपके पास ये विश्वास करने के लिए पर्याप्त विश्वास है कि वो तूफान के बीच में भी आपके साथ रहेगा शायद, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक उच्च स्तर का विश्वास है, ये कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें हों। बाइबल में क्या लिखा है? नीति वचन उसका 3:25-26 वचन में लिखा है, अचानक आने वाले भय से ना डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। दूसरे शब्दों में, तूफान का सामना करने में साहसी बने। परमेश्वर केवल उस स्थान पर आपके साथ ही नहीं है बल्कि वो वहां एक सामर्थ्य परिवर्तन लाने के लिए है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। ये उसका ताजा वचन है आज आपके लिए।